जय माता दी। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। मेरा नाम है कोमल तिवारी। तो अभी हम आए हैं अपने मंदिर में जो मेरे घर के एकदम पास में ही है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को भोले बाबा जी का वो दिखाते हैं। मंदिर के बीचों बीच में भोले बाबा जी का मंदिर है। ओम नमः शिवाय। और उसके बाद जो सुबह आरती हो चुकी थी यहाँ पर, सब लोग किए थे। और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर भोले बाबा जी का परिवार है। जैसे कि आज सब नवरात्र के अवसर पर सबके वस्त्र बदलाए गए हैं। अब जैसे कि ये जो हैं गणेश भगवान जी हैं, और ये लक्ष्मी मैया हैं, ये कार्तिकेय भगवान जी हैं। भोले बाबा का पूरा परिवार है, सबके नए वस्त्र आज पहनाए गए हैं। अब आप लोगों को माता रानी दिखाते हैं, क्योंकि आज नवरात्र है। बहुत सुंदर है हम लोगों के मंदिर की माता रानी। ये है माता रानी। जय माता दी। इनका वस्त्र आज ही पहनाया गया है, नया लहंगा और ये चुनरी दुपट्टा। इनका चेहरा इतना सुंदर लगता है ना, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा कि देख के बड़ी खुशी मिलती है। बहुत सुंदर है। और फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है और ये राधा भगवान जी की मूर्ति है। इनका भी नए वस्त्र आज पहनाए गए हैं। और ये हमारे हनुमान जी हैं, जय बजरंगबली। इनका मुकुट कितना प्यारा है, पगड़ी। और ये प्यारा सा मंदिर है, सुंदर सा। अभी दोपहर में हम लोग यहाँ पर आए हैं, सुबह आरती हो चुकी थी। तो हम सोचे नवरात्र के मौके पर क्यों ना आप लोगों को दर्शन कराए जाए माता रानी के। जय माता दी। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। नवरात्र में मम्मी के साथ आए हैं मंदिर। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।